अस्सलामुअलैकुम, जरूर शरीफ पढ़ना। अच्छा, पास पेपर का एक सवाल करते हैं और इसका लेवल थोड़ा और ज़्यादा है। स्प्रिंग 2016, अच्छा पैक की बुक है जिनके पास, पेज 321, स्प्रिंग 2016, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, सीम एंटरप्राइजेस के नाम से। और जिनके पास आईसी बुक है, पेज नंबर, पेज 488 पे क्वेश्चन नंबर 5, सीम एंटरप्राइजेस, स्प्रिंग 2016, ये पढ़ लीजिए सवाल, वोट करता हूँ। जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, लेक्चर पॉज करें, सवाल अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर आप जब लेक्चर दोबारा लगाएंगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नसीहत आपको की हुई है कि आप स्टैंडर्ड कार्ड बनाएं, सवाल में नहीं दिया तो बनाएं, दिया सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड नहीं दिया, बजट इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बारे में डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कार्ड कैसे बनाएं? स्टैंडर्ड से क्योंकि बजट बनाया होता है, तो हम स्टैंडर्ड निकालना चाहते हैं तो बजट को पर यूनिट कर लें, वो स्टैंडर्ड होगा। अब इसको पर यूनिट बनाते हैं, डायरेक्ट मटीरियल स्टैंडर्ड 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए अगर 5,000 किलो लगने चाहिए थे तो एक यूनिट के लिए कितने किलो लगने चाहिए थे? आधा किलो, 0.5 kg। सवाल ही पढ़ा तो उठे शाबाश जाए, पहले पढ़े उसके बाद आए। अगर 5,000 किलो 9 मिलियन रुपए के तो एक किलो कितने का? 1800। तो एक यूनिट के लिए 900। वेरियंसेस के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल होना है? इन दोनों का। इस कॉलम का इस्तेमाल या तो प्रॉफिट निकालना हो या इन्वेंट्री वैल्यू करनी हो फिनिश गुड्स की, अदरवाइज वेरियंसेस के लिए इसका काम है। डायरेक्ट लेबर, अगर 10,000 यूनिट बनाने के लिए 24,000 घंटे चाहिए तो एक यूनिट के लिए कैलकुलेटर की जरूरत है, 2.4। अगर 24,000 आवर्स 3.6 मिलियन कॉस्ट करेंगे तो एक आवर कितना कॉस्ट करेगा रेट पर आवर? 1। तो ये पर यूनिट कितना बन गया? 360। ओवरहेड्स या तो लेबर आर से लेंगे होंगे या मशीन आर से होंगे, अगर लेबर आर से हुए तो यही नीचे आ जाएगा, लेकिन ये है नहीं लेबर आर से, ये मशीन आर से। तो अगर 10,000 यूनिट्स के लिए 2,000 मशीन आर, तो फिर एक यूनिट के लिए 0.2। और अगर 2,000 मशीन आर 4.4 मिलियन कॉस्ट कर रहे हैं तो पर आर रेट कितना? 2200। तो ये बन गया 440। और सवाल मार्जिनल से करना है कि एब्जॉर्प्शन से? मार्जिनल से, तो इसका मतलब है कि बस हमारा काम यही रुक गया। अच्छा हाँ, एक बार ये ग्रुप पे पूछा था किसी स्टूडेंट ने, तो मैंने कहा था मैं लेक्चर में समझाऊंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर कोई बिजनेस बनाता है, स्टैंडर्ड का इस्तेमाल बजट बनाने के लिए होता है, फिर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल परफॉर्मेंस मेजरमेंट वगैरह के लिए होता है, फिर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल एक अल्टरनेटिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के तौर पे होता है। मैंने आपको मटीरियल में पढ़ाया था कि इन्वेंट्री इज वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो उसके लिए एक साइंस बताई थी कि आपके स्कोप में नहीं है, वैसे मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड की डबल एंट्रीज होती है, यानी पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट को डेबिट क्रेडिट में इस्तेमाल किया जाता है, फिर वेरियंसेस निकलते हैं, फिर उन वेरियंसेस का भी डेबिट क्रेडिट होता है। अगर कोई बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्ट को एज एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है तो डज इट मीन कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा? अगर कोई बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, डेबिट क्रेडिट में इस्तेमाल कर रहा है, तो डज इट मीन कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट? नहीं। मैंने जब मटीरियल प्राइस वेरिएंसेस पढ़ाए थे उसमें मटीरियल वेरिएंसेस पढ़ाए थे, केस 1, केस 2, फिर केस 2 ये था कि मटीरियल परचेज और यूज बराबर नहीं है। मैंने तब ये बात समझाई थी कि अगर वेरियंस की एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज की जाएगी तो ऐसा करने का एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि इन्वेंट्री वैल्यू हो रही होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, पता नहीं नहीं बोला तो। और अगर वेरियंस मटीरियल प्राइस वेरियंस की रिकॉर्डिंग की जाएगी एट द टाइम ऑफ इशुएंस तो उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, ये मैंने तब बताया था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिजनेस फॉलो कर रहा है डेबिट क्रेडिट के लिए तो भी हो सकता है वो प्राइस वेरियंस परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड करते हो तो एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट,
और अगर वो मटेरियल प्राइस वेरियंस इश्यूज के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो अगर बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है तो क्या हमेशा इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट? ये कल भी हो सकती है, अभी तो गायर हो सकती है ना एक्चुअल। मैंने आपको डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाया, लेकिन वैसे कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बनता है, इसका एक बीडी बैलेंस आ रहा होगा, परचेजेस आएंगी, इश्यूएंस आएगी, और इस प्राइस वेरियंस को, मटेरियल प्राइस वेरियंस, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। वो प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस किस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है, कितने यूनिट पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी चाहे तो प्राइस वेरियंस परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड कर ले, कंपनी चाहे तो प्राइस वेरियंस इश्यूज के टाइम पे रिकॉर्ड कर ले। इन दोनों में से कंपनी जो भी तरीका फॉलो करेगी उसका एंड रिजल्ट इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे आएगा। ये आपको नहीं मैंने टी अकाउंट बना के दिया, ये होता है। वैसे बता रहा हूं कि अकाउंट बनता है जिसमें वेरियंस की एंट्री होती है। वेरियंस एंट्री चाहिए आपको? नहीं, सो भी नहीं आपको, लेकिन होती है असल में। तो जब वेरियंस की एंट्री हो जाती है तो इस टी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है वो क्या वैल्यू आ रही होगी? या तो एक्चुअल कॉस्ट आ रही होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही होगी, किस पे डिपेंड करता है? क्या क्यों आ रही है, स्टैंडर्ड आ रही कि हम कंपनी की पॉलिसी क्या रखी है कि वेरियंस का रिकॉर्ड करना। तो अगर कोई बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सब कर रहा है, तो हमेशा इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा? नहीं, हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट निकले, हो सकता है स्टैंडर्ड कॉस्ट निकले। ये बात नहीं समझ रही है परचेज की एंट्री की, जितने यूनिट्स परचेज किए उन्हीं पे प्राइस वेरियंस निकालो, साथ एंट्री कर ली। इन्वेंटरी जो एंड पे वैल्यू हो रही होगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू हो रही होगी। तो हम लोग अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर भी रहे हैं तो फिर हमारी मर्जी कि हम वेरियंस को कब रिकॉर्ड करें। आपके स्कोप में नहीं है डबल एंट्री, लेकिन पॉइंट समझे, वेरियंस को कब रिकॉर्ड करना है कंपनी की मर्जी। देखिए जब भी रिकॉर्ड करेंगे, जो भी पॉलिसी अपनाएंगे उसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट निकलेगा, कुछ तो एंड रिजल्ट निकलेगा। तो अगर वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज एंट्री रिकॉर्ड किया करेंगे परचेज यूनिट्स के ऊपर ही, तो इस हरकत का एंड जब सारी अकाउंटिंग हो जाएगी और एंड रिजल्ट देखेंगे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 100 यूनिट्स हैं अगर और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट की 1800 रुपए है तो इधर 18000 रुपए आ रहा होगा। नहीं, 1,80,000 ये सैलरी है ना, 1800 रुपए का किलो है। तो अगर वेरियंस हमारी पॉलिसी है कि एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब टी अकाउंट बनाएंगे और इसका बैलेंस करके निकालेंगे तो उसमें 1,80,000 रुपए आ रहा होगा। तो मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यू एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन अगर कंपनी पॉलिसी लगाती है कि नहीं हम प्राइस वेरियंस रिकॉर्ड किया करेंगे एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, तो जब टी अकाउंट एंड पे बैलेंस होगा ना। अच्छा देखें, जब पर पैटर्न सिस्टम होता है, इन्वेंटरी का टी अकाउंट बनता है, तो क्लोजिंग बैलेंस खुद गिन के लिखना पड़ता है। टी अकाउंट का बैलेंस करने से आ जाता है, बैलेंस करने से आ जाता है ना। तो अगर बिजनेस ने पॉलिसी फॉलो की है कि प्राइस वेरियंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो जब टी अकाउंट मंथ एंड पे क्लोज होगा ना तो उसमें इतना आ रहा होगा। और हम देखेंगे इन्वेंटरी वैल्यू एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हां, लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है कि मटेरियल प्राइस वेरियंस को रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, कर दें डेबिट क्रेडिट हो गया, जब एंड रिजल्ट इस अकाउंट को बैलेंस किया तो उसमें 1,80,000 नहीं आ रहा होगा, लेट्स से 2,00,000 आ रहा होगा। यानी जो भी हमारी हरकतें रही, जब एंड रिजल्ट बैलेंस किया तो नजर आया 2,00,000। अच्छा, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। तो इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, डिपेंड करता है कि हमारी प्राइस वेरियंस निकालने की पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो अगर किसी बिजनेस ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एज एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया हुआ है तो क्या हमेशा इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगी? एक्चुअली हो सकती है, हो सकती है। अगर सवाल के अंदर आपको लिखा मिल रहा है, जो कि वेरियंस के सवालों में अक्सर लिखा मिलेगा, कि कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, तो इस सेंटेंस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इन्वेंटरी वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर लिखा ना कंपनी ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कंपनी ऑपरेट्स अ मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कंपनी ऑपरेट्स एन एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाती है, उससे बजट बनाती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करती है और डबल एंट्रीज भी कर लेती है। सिर्फ ये मतलब इस बात का, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेंटरी इज वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या तो ये मतलब नहीं है इस सेंटेंस का, किस सेंटेंस का, कि कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, इस लाइन का मतलब ये है कि इस कंपनी को स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, वो उसको बनाते भी हैं, स्टैंडर्ड कार्ड को इसको बजट में भी इस्तेमाल करते हैं, इसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करते हैं, और ये भी लाजमी नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज डेबिट क्रेडिट भी इस्तेमाल करती है। मतलब है कि बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है। अब उस फॉलो करने का एंड रिजल्ट क्या हमेशा यही होगा कि इन्वेंटरी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट? नहीं, हमेशा ये नहीं होगा, कभी हो सकता है स्टैंडर्ड पे, कभी हो सकता है, क्योंकि कंपनी की मर्जी के वो वेरियंस किस वक्त रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब आपने हरगिज नहीं लेना कि इन्वेंटरी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखिए, इस सवाल के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, लिखा मेरा। और पॉइंट नंबर 1, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? Raw materials, point number one, दूसरा सेंटेंस यार कितने दूर चले गए। Raw materials are valued using, तो FIFO method पे value करना, standard costing पे value करना। FIFO method क्या होता है? First in, first out होता है, करते क्या इसमें? जो पहले खरीदा था, जितने का खरीदा था, वो पहले इशू हो गया होगा, तो जो बाद में नए खरीदे थे उनमें से जो स्टॉक बचा होगा, तो उसका मतलब नए वाले में से होगा। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है या स्टैंडर्ड है? तो एक्चुअल है ना, तो FIFO पे वैल्यू होने का मतलब एक्चुअल में कॉस्ट हो रही है। ये एक्चुअल का मामला है ना, कि जो पहले खरीदे थे वो इस्तेमाल हो गए, जो बाद में खरीदे वो बच गए होंगे, तो एक्चुअली की बात हो रही है ना। स्टैंडर्ड में 25 होता है, स्टैंडर्ड में 18 रुपए का किलो है, ये स्टैंडर्ड है। इसमें फाइफो कौन सा? फाइफो तो तब है अगर रेट बदल रहे हो, पहले कोई और रेट था, फिर कोई और रेट आया, फिर पुराने वाले इशू हो गए, बाद वाले बच गए, तो ये फाइफो का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट। तो ऊपर लिखा हुआ है इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, और यहां वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज वैल्यू यूजिंग फाइफो मेथड। तो ऊपर कह रहा है, तो जो ऊपर कह रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल, ये अलग से ढूंढना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाले सेंटेंस से नहीं पता चल जाएगा। हां जी, मेरा ख्याल है क्लियर है बात। और अगर कुछ ना बताया इन्वेंटरी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल है, तो बाय डिफॉल्ट
एक्चुअल, इसलिए एग्जांपल 4 के अंदर उसने एक्चुअल वाली तरीके से सॉल्व किया हुआ है। इसलिए एग्जांपल 4 के अंदर मटेरियल परचेज इग्नोर करके मटेरियल यूज के ऊपर ही प्राइस वेरिएंस निकाला, क्योंकि उसमें बताया नहीं है कि इन्वेंटरी वैल्यू एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड। एग्जांपल 4 भी जिसने ग्रुप में पूछा तेरे सवाल पे जी वो वेरी, देखो वेरिएंस का एक इफेक्ट आएगा मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट पे, दूसरा कंपनी की पॉलिसी है ना कि वेरिएंस कहां चार्ज करना है, कॉस्ट सेल को करना है कि प्रीमियम को करना है। जैसे साल में देखो लिखा हुआ है ना कि वेरिएंसेस आर ट्रीटेड एज़ पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्ट सेल, तो ये फिर कंपनी की पॉलिसी होती है कहां चार्ज करना है। अगर 9,800 यूनिट 25 मिलियन के बेचते हैं तो एक यूनिट कितने का बेचते हैं? 50. तो फिर एक यूनिट के ऊपर हम स्टैंडर्ड कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं? 851. तो हमें वो आखिरी वाला कॉलम तब चाहिए जब प्रॉफिट निकालना होता है, यानी सेल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए चाहिए होता है, बाकी वेरिएंस के लिए कॉस्ट वेरिएंस के लिए वो ऊपर वाले दोनों कॉलम्स। तो आपने अगर सवाल वेरिएंस का करना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड जरूर बनाइएगा। कुछ बच्चे अभी भी जिद पे होंगे कि नहीं सर नहीं टाइम जाया हो रहा है, तो फिर टाइम जाया कर लें कोई काम कर लें। अच्छा जिनको लगता है पार्टी अभी मैं पार्टी का सोल्यूशन करूंगा तो आपको पता लगेगा थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ 6 नंबर, तो उसमें सिर्फ 6 नंबर बेशक है लेकिन जितनी मेहनत पार्ट ए में कर ली होगी वो सारी पार्ट बी में इस्तेमाल हो जाएगी और तब 14 नंबर ज्यादा लगेंगे। तो ये बैलेंस वाला 20 नंबर का पार्ट ए करते हैं सॉल्व। पार्ट ए करने लगो, एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालना है और बजट प्रॉफिट भी निकालना है। बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट, पार्ट ए बजटेड प्रॉफिट रुपीज मिलियन, मार्जिनल कॉस्टिंग है तो हम पहले निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन, कितने यूनिट्स बजट किए थे बेचने के लिए 9800 और एक के ऊपर कितना कितना हो गया मिलियन में 8.2 प्रॉफिट तक पहुंचना क्या करूं, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितने थे 3.8, तो बजटेड प्रॉफिट आ गया, ये हो गया बजटेड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अच्छा ये क्योंकि स्टैंडर्ड था ना, पर यूनिट निकाला ही हुआ था इसलिए मैंने सिंपली यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल के लिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा सेल्स ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, वो तो करना पड़ेगा। ये तो चूंकि फिगर निकली हुई थी 5 मिनट तो सारी से मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई किया और एक लाइन में निकाल दिया। एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट बनानी पड़ेगी पूरी। सेल्स कितनी दी है शायद, एक्चुअल सेल्स दी नहीं है जी, पॉइंट नंबर पॉइंट वन से पहले 30 मिलियन तो एक्चुअल सेल्स हो गई 30 मिलियन। इसमें से लेस कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ जगह कम है मेरे पास वर्किंग वन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है या क्लोजिंग भी नहीं है। हमने एक्चुअली 12,000 यूनिट्स बनाए और 11,000 बेचे तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1,000 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यू होती है एट एक्चुअल कॉस्ट के स्टैंडर्ड कॉस्ट पॉइंट नंबर 5 पॉइंट 5 में लिखा तो है वो रॉ मटेरियल की बात की हुई थी 5 होगी। वैसे अजीब बात है इन्वेंट्री वैल्यूएशन सेम ही होती होगी लेकिन बड़ा सवाल है, तो सवाल है पॉइंट नंबर 1 में कहा हुआ है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 5 पे यानी एक्चुअल पे और पॉइंट नंबर 5 में कहा हुआ है कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो स्टैंडर्ड पे, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो स्टैंडर्ड पे जो वैल्यू है तो 1,000 यूनिट पे कौन सा वाला रेट लगाऊं, वो 1,700 यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, कंट्रीब्यूशन निकलेगा, वहाँ से माइनस कर देंगे हम फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं पता नहीं, वैसे ब्रैकेट में हो सकती है वर्किंग नहीं बात नहीं करूँगा। अच्छा ब्रैकेट में कराऊँ देखिए समझ आती है, तो ना समझ आई तो फिर मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा, ये आसानी से ब्रैकेट में हो सकती है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन थी वो उतनी है जितनी बजट की थी पॉइंट नंबर 3, रेंट उतना ही जितना बजट किया था जबकि बाकी सब 4% महंगे हो गए, तो ब्रैकेट में इसको अगर मैं करूँ तो देखिएगा कि 3.8 में से माइनस कर देते हैं 1.6, माइनस कर देते हैं 1.2, जो बाकी है उसको 1.04 महंगा कर देते हैं और 1.6 और 1.2 वापस ऐड कर देते हैं, ठीक है ये बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल में। जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड थे उनमें से डेप्रिसिएशन और रेंट चूंकि महंगा नहीं हुआ तो बाकियों को महंगा कर दिया और ये एज इट इज ऐड कर दिया, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे 3.8 याद है मुझे। तो एक्चुअल प्रॉफिट में अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालते हैं।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स। और ये हमें तीनों ही नहीं पता, वर्किंग 1.1, वर्किंग 1.2, वर्किंग 1.3। अब ये मैं एक एक करके निकालने लगा। अच्छा, अगर ये बजटिंग का सवाल होता तो हम ब्रैकेट्स के अंदर ही चीजें सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन वेरियंस में ना, अगर आपको इस तरह से ये एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ रही है, जैसे इस पे देखें क्लियरली गिवन नहीं है, तो आप रेट अलग सॉल्व करना, क्वांटिटी अलग सॉल्व करना, ब्रैकेट में टोटल करने की बजाय एक्चुअल रेट भी अलग सॉल्व करना, एक्चुअल क्वांटिटी भी अलग सॉल्व करना। क्यों? वेरियंस निकालने में मदद मिलेगी, क्योंकि वेरियंस में हमें एक्चुअल क्वांटिटी भी चाहिए होती है, रेट भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए आप जब वेरियंस, हम वेरियंस का सवाल कर रहे हैं, तो आपको अगर इन फिगर्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी मेहनत बजटिंग में भी करनी पड़ती थी कि ये होना चाहिए था, या पिछले साल ये हुआ था, अगले साल ये होगा, रेट इतने परसेंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी इतने परसेंट बढ़ जाएगी, तो करते थे ना, तो ब्रैकेट के अंदर कर लेते थे पिछले साल की टोटल वैल्यू इनटू प्राइस चेंज इनटू वॉल्यूम चेंज कर लेते थे। लेकिन वेरियंस वाले सवाल में आप रेट अलग एक्चुअल निकालना और क्वांटिटी आर्स अलग एक्चुअल निकालना, क्योंकि वेरियंस निकालने में हेल्प मिलेगी। अगर नहीं समझ आई बात तो चले मैं कर रहा हूं, समझ आ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। मटेरियल के लिए ये भी मैं निकालूंगा कि एक्चुअली क्या रेट था और एक्चुअल किलो कितने लगेगी, हम ये दोनों काम अलग अलग सॉल्व करेंगे। मटेरियल कॉस्ट आसान है, इंटर लेवल की चीज है सवाल। फॉर द ईयर एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाले, पॉइंट बने क्लियरली बताया। चूंकि फाइफो है तो 5700 किलो कौन से वाले इस्तेमाल हुए होंगे, टोटल 5700 किलो इस्तेमाल हुए ना, 5700 किलो इशू हुआ है, ये कौन से वाले में से हुआ होगा? पहले 3000 निकला होगा, फिर बाकी 2700 इस 15000 में से निकला होगा, तो पता चल गया। जो पहला 3000 किलो है वो तो ओपनिंग वाला ही लगा होगा, रेट निकालने की जरूरत नहीं, अमाउंट सामने गिवन तो है उसकी, कितनी 5 पॉइंट। उसके बाद जो 2700 किलो है वो इन 15000 में से हुआ होगा। ये जो 15000 थे इनका रेट क्या था ये नहीं पता, तो ये मकड़ी बना के मैं इसका रेट निकाल रहा हूँ। 15000 किलो कितने के खरीदे थे, 26.25 मिलियन के 15000 किलो खरीदे थे, तो एक किलो कितने का था, 1750। तो हमें ये जो 2700 किलो है ये 1750 के रेट के हिसाब से कितना कॉस्ट किए थे, 4.73। तो हमारी मटेरियल कॉस्ट निकल आई 10.43। ये तो इंटर लेवल था कि इतने यूनिट्स इतने रेट वाले, इतने यूनिट्स इतने रेट वाले, क्योंकि फाइफो है तो पहले पुराने वाले इस्तेमाल होंगे, फिर नए वाले इस्तेमाल होंगे, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे आते हैं। एक तो आर्स, तो आर्स कहे हुए हैं कि हमने चूंकि उनको रेट ज्यादा दिया तो वो इंसान के बच्चे बन गए और बेहतर काम करने लग गए। पॉइंट नंबर टू, जो रेट हमने उनको दिया कितना रेट दिया, एक्चुअल रेट हमने दिया स्टैंडर्ड रेट से 10% ज्यादा, तो स्टैंडर्ड रेट क्या था, 150 रुपये। तो हमने एक्चुअली कितने का दिया फिर, 165। ये हमने एक्चुअल रेट दिया और एक्चुअल आर्स कितने लग गए फिर, एफिशिएंसी 5% इंप्रूव होने का क्या मतलब, 5% कम आर्स लगे, किससे कम लगे, स्टैंडर्ड आर्स से, बजट आर्स से, स्टैंडर्ड आर्स से। डायरेक्ट लेबर है, क्या फर्क है स्टैंडर्ड आर्स और बजट आर्स, स्टैंडर्ड आर्स बजट आर्स, बजट आर्स हम फिक्स्ड ओवरहेड में निकालते हैं कि जो बजट प्रोडक्शन थी उसके लिए कितने आर्स लगने चाहिए थे, बजट प्रोडक्शन, ये सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड में चाहिए होते हैं और कहीं नहीं चाहिए होते। स्टैंडर्ड आर्स क्या है, एसएच क्या है, इतने दिन हो गया पढ़ते हुए, स्टैंडर्ड आर्स क्या है, एसएच, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे, ये एसएच है। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि 5% एज कम्पेयर टू बजट, तो सब स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड से 5% बेहतर हो गया, तो स्टैंडर्ड आर्स कितने लगने चाहिए थे, कितने यूनिट बनाए एक्चुअली, 12000 यूनिट बनाए हैं और कितने घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन 5% इंप्रूवमेंट का मतलब है इनटू 27360। तो लेबर कॉस्ट हो गई इन दोनों को मल्टीप्लाई 4.5, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये वाला पॉइंट दोबारा देखें, हमने लेबर को जितना रेट स्टैंडर्ड सोचा हुआ था उससे 10% ऊपर दिया, यानी एक्चुअल रेट 165। इससे क्या हुआ कि जितने आर्स उनको स्टैंडर्ड लगाने चाहिए थे उससे 5% कम लगा दिए, तो स्टैंडर्ड आर्स निकाले उनको 0.95 कर दिया। अच्छा, इसमें ना एक इतराज आपका ये बन सकता है कि वो कह रहा है कि 5% एज कम्पेयर टू बजट, तो बजट तो हमने 24000 आर्स किए थे, बजट तो 24000 आर्स किए थे, तो वो कह रहा है कि 5% एज कम्पेयर टू बजट एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो 24000 से करना चाहिए या नहीं, समझे। सवाल में लिखा हुआ है कि इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी बाय 5% एज कम्पेयर टू बजट, तो बजट में तो 24000 घंटे थे, आज की बात कर रहा हूं। देखो 0.95 का मतलब है 5% कम, तो किससे 5% कम, मैंने 12000 इनटू 2.4 कर दिया, इसमें स्टूडेंट का चार्ज हो सकता है, अभी लिखा है टू बजट, तो 24000 घंटे आना चाहिए, बजट में 24000 घंटे थे, तो मैंने ये क्यों लिख दिया, ये तो कोई 25000 शायद बनते हैं, 25000, तो फिर 24 क्यों लिखा है, वहां तो कंपेयर टू बजट लिखा हुआ।
हाँ जी चौबीस लिखो यार, बेशक उसने बजट लिखा हुआ है लेकिन बजट स्टैंडर्ड से ही बनता है ना, बजट स्टैंडर्ड बजट ये है ना कि जो हमने सोचा था, तो स्टैंडर्ड भी तो ये है। असल में 24,000 लिखना लॉजिकल इंतहाई इलॉजिकल है, क्यों? क्योंकि 24,000 आर लगने चाहिए थे 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, हम अगर एक्चुअली सिर्फ 1,000 यूनिट्स बना रहे होते तो लॉजिकल था कि 1,000 यूनिट्स के लिए एक्चुअली इतने घंटे लगे 24,000 दोबारा सुने, डायरेक्ट लेबर आज की बात हो रही है ना, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल चीज है, तो अगर हमने बजट 10,000 यूनिट्स का बनाया हुआ है कि 24,000 घंटे लगने चाहिए थे और असल में सिर्फ एक यूनिट बन रहा है, सिर्फ एक, और कहते हैं कि हम 5% बेहतर करके काम, तो उस एक यूनिट बनाने के लिए कितने एक्चुअल आर्ट लगे, 24,000 ले लूं यहां? नहीं समझ बात, क्योंकि ये एक वेरिएबल चीज है, तो 24,000 घंटे 10,000 यूनिट के लिए सोचे हुए थे। अगर हम बात करें, अच्छा ये लिखा होता कि डायरेक्ट लेबर आर्ट उतने लगे जितने बजट किए थे तो 24,000 आते, लॉजिकल नहीं है, वेरिएबल चीज है, 24,000 घंटे तो 10,000 यूनिट के लिए, हम 12,000 यूनिट बना रहे हैं, तो क्योंकि वेरिएबल चीज है, तो जब वो कह रहे हैं कि बजट जितना आए इट मींस के जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है, तो यहाँ पर मैंने बजट वाली फिगर ले ली सेम एज बजटेड, तो यहाँ पर मैंने वही फिगर ले ली क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड है, इसके सेम एज बजट में मैंने बजट वाली फिगर ली, जबकि डायरेक्ट लेबर आर्ट्स एक वेरिएबल चीज है, तो सेम एज बजटेड का मतलब वही जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड आर्ट लिए और फिर उनका 0.95 कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड भी ऐसा ही है, एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट कितना है 2200 और लिखा हुआ है कि ये जो 2200 था ये 4% असल में बढ़ गया, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात नहीं की थी, 4% ऑल ओवरहेड्स, तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर उसने ओवरहेड्स की बात की, फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात नहीं की, तो जो वेरिएबल ओवरहेड 2200 पर आते वो 4% महंगे हो गए, कितने हो गए? नहीं नहीं पर आ रहे 2200 पर आ रहे, डबल टू और एक्चुअल मशीन आर्ट कितने लगे ये तो उन्होंने वैसे ही बता दिया, कितने लगे क्लियरली लिख तो दिया यार 2100, तो फिर टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट कितनी आई? 6 नंबर, लेकिन 6 नंबर कम है इसके लिए क्योंकि जितनी मेहनत हमने कर लिया ना अब आगे वेरिएंसेस जल्दी हो जाएंगे, कार्ड बना सारा कुछ वाली स्टैंडर्ड डाटा भी है, एक्चुअल आर्ट एक्यूरेट सब निकाला हुआ है, बस वेरिएंस के फॉर्मूले लगने ये मुझे प्रैक्टिकल मैंने देखा नहीं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो मैं एक्सपोजर नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो होती हो, होने को हो सकता है मटेरियल और नेचर का चीज है, फिनिश बढ़ाने चीज होने को हो सकती है, उसमें क्या प्रोग्रामिंग करना है कौन सा उसके कोड अलग है, उसके कोड अलग उसे क्या रेट नहीं अलग अलग होते होंगे, सॉफ्टवेयर में रेट भी अलग अलग डलते हैं ना, जब रेट अलग डलते हैं तो एक्चुअल जाता है स्टैंडर्ड जाता है, उसमें क्या रेट तो नहीं डाले सॉफ्टवेयर पर क्या रेट है, बट भी वेरियंस करते हैं यार, ये ना मिटाने में एक बार सारा इसको फिर भी क्या वो कनेक्ट होता ना बीच में वो भी, और ये भी पहले पॉज करके नोट कर सकते हैं, तो मैं मिटाने लगाऊं इसलिए रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ, यानी वेरियंसेस निकाल रहा हूँ, सेल प्राइस वेरियंस पार्ट बी कर रहा हूँ, सेल प्राइस वेरियंस, सेल प्राइस वेरियंस का मामला होता है एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और ये हमारे पास एक्चुअल सेल्स हैं जो कि 30 मिलियन है और एक्चुअल कितने यूनिट्स बेचे हैं 11,000 और स्टैंडर्ड था हमारा 25 का है,
मैं मिलियन में बता दे रहा हूँ वेरियंस निकालने के बाद, वेरियंस निकालने के बाद कितना 9 पॉजिटिव नेगेटिव 1.94 मिलियन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेल वॉल्यूम वेरियंस, और चूंकि मार्जिनल है तो एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। हमने 11,000 यूनिट्स बेचे, 9,800 बेचने का सोचा था और एक यूनिट पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 851। मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस निकालने के लिए जरूरी है कि आप पूछ करें कि कौन सा वाला केस है, परचेज यूज बराबर है या डिफरेंट है। डिफरेंट है। अब उसमें आगे फिर ए और बी, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट 5.4 था एक्चुअल कॉस्ट, तो अगर मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है तो फिर हम लोग प्राइस वेरियंस भी किस पे निकालते हैं, यूज्ड पे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। एक किलो 1800 स्टैंडर्ड है और एक्चुअली कितने किलो इस्तेमाल हुए 5700। ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमने निकाला हुआ 10.43 निकाला हुआ है, यही तो है एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमने निकाला है। अभी देखना दो अलग अलग रेट्स है तो सामने में कौन सा वाला रेट लिखूं, तो मैंने अलग निकाला है और ये वो लिखा फिगर लिखी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मटेरियल यूजेज वेरियंस, मटेरियल यूजेज वेरियंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट के लिए आधा किलो लगना चाहिए तो 12,000 बनाए हमने, 6,000 किलो माइनस 1800 इंटू एक्चुअली 5700 किलो लगे। पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव लेबर रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। और सवाल में कहीं आइडल का जिक्र नहीं है तो बताइए नहीं है। स्टैंडर्ड रेट है 150 रुपये इंटू एक्चुअल आवर्स निकाले थे अभी 27,360 शायद माइनस, ये ऑलरेडी निकाला हमने, ये क्या ये एक्चुअल रेट कॉस्ट है कितनी 4.51 मिलियन। तो लेबर रेट वेरियंस बन गया। एक यूनिट के लिए 2.4 आवर्स लगने चाहिए तो फिर 12,000 के लिए कितने लगने चाहिए थे 28,800 माइनस 150 इंटू एक्चुअली कितने लगे 27,360। और एक्चुअली लगे हैं 2100 घंटे और ये हम निकाल चुके हैं, ये क्या है अब पार्ट में सारी मेहनत की फिगर्स पुट हो रही है यहां पर वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 2200 स्टैंडर्ड आवर्स, एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 आवर्स लगने चाहिए तो 12,000 बनाने के लिए 2400 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अच्छा लेबर वाले आर्ट नहीं लिए मैंने क्योंकि ओवरहेड मशीन आर्ट से लिंक करके दिया है।
0.66 है। अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स ओवरहेड के तो वेरिएंस नहीं होंगे, बस खत्म हो गया सवाल। स्पेंडिंग होगा, वॉल्यूम नहीं होता, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजट हमने किए थे 3.8 और एक्चुअल हुए 3.84, तो 0.04 मिलियन नेगेटिव। अच्छा दो मिनट लगेंगे, जल्दी से रिकंसिलिएशन बनाएं। रिकंसिलिएशन बनाएं, बजट प्रॉफिट से स्टार्ट करें, बजट प्रॉफिट निकाला हुआ है और एक्चुअल प्रॉफिट भी निकाला हुआ है, ये सारे वेरिएंसेस मैंने सामने लिखनी है। रिकंसिलिएशन बनाएं जल्दी से, टैली हो जाएगी लेकिन बनाएं, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलो सही, ठीक है जी, टैली हो गया होगा, नहीं हुआ तो इतने को प्लस माइनस में गलती कर रहा होगा, वरना टैली होना चाहिए, वो नहीं भी। अच्छा अब हम सवालों में थोड़े मुश्किल लेवल पर बढ़ने शुरू हो गए। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल आप करके आएंगे तो इसका पार्ट बी मैं करा सकूंगा, पार्ट ए करना है आपने, और नहीं आपने पूरे सवाल करना है, लेकिन पूरे सवाल में एक चीज़ आप नहीं कर सकेंगे वो मैं कराऊंगा, लेकिन तभी कराऊंगा जब सवाल आप करके आएंगे। जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 320 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 हेक्सालिमेटेड स्प्रिंग 2017 राइस की बुक में देखें, स्प्रिंग 2017 हेक्सालिमेटेड राइस की बुक में पेज 487 पे क्वेश्चन नंबर 3, तीन रिक्वायरमेंट है, पार्ट ए 3 नंबर है, पार्ट बी 8 नंबर है, पार्ट सी 2 नंबर। हेक्सालिमेटेड इज यूजिंग अ स्टैंडर्ड अडॉप्शन कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट। अच्छा इसमें जिन लोगों के पास पैक की बुक है उसमें नहीं सही है, वो पी कर लिया था बाद में सही। अच्छा सवाल में एक ऐसी चीज टेस्ट हुई थी जो पहले कभी हुई नहीं थी, एक जी समझते हैं इधर। सवाल की रिक्वायरमेंट ए पढ़े, कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मॉडल कॉस्टिंग, कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कि बजटेड प्रॉफिट निकालना, कंप्यूट दी प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एक्चुअल निकालना है। पार्ट बी पढ़े, पार्ट बी लेबर वेरिएंसेस, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है रिकंसाइल, तो फिर अब वाला कौन सा पेज पे, वो कौन सी अटेम्प्ट
बजट तो हमने बनाया था बजट, जैसे सवाल में 4.5 मिलियन प्रॉफिट था, 54 हमने बजट बनाया था 4.54 मिलियन प्रॉफिट पे, और उस बजट को बनाते हुए हमने रखा था कि 9 मिलियन का मटेरियल लगेगा, 3.6 की लेबर लगेगी, ये हमने बजट बनाया था। ये जो बजट बनाया था बजटेड इनकम स्टेटमेंट, ये किन यूनिट्स पे बेस्ड थी? बजटेड यूनिट्स पे। तो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के कंपैरिजन में यूनिट्स की वजह से भी फर्क आता है, तभी यही वजह है कि हम सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे होते हैं। लेकिन एक और होता है फ्लेक्स बजट, वो ये होता है कि मैनेजमेंट ये कहती है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बने, एक्चुअली उन पे अगर हम पैसा स्टैंडर्ड वाला इस्तेमाल करें तो प्रॉफिट कितना बनता है, यानी जो एक्चुअली यूनिट्स बने उन पे फिगर्स वो इस्तेमाल करें जो स्टैंडर्ड की थी, तो क्या प्रॉफिट बनता है, इसको फ्लेक्स बजट भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर ए लिखा है ना, पॉइंट नंबर ए में कहा है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बजट तो नहीं है, अगर बजट होता तो कहता कंप्यूट द बजट प्रॉफिट, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी फिजिकल जो क्वांटिटी है वो तो एक्चुअल नहीं है, लेकिन रुपया कौन सा लेना है, स्टैंडर्ड वाला। ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट, पार्ट ए की रिक्वायरमेंट वाले सुन लें, फिजिकल क्वांटिटी तो वही जो एक्चुअल हुई है वही लेनी है, लेकिन रुपीज स्टैंडर्ड वाले लेने, ये पार्ट ए का आंसर है। और आप जो पार्ट ए में आंसर निकाल लिया होगा, इसको फिर रिकंसाइल करना है पार्ट बी में एक्चुअल प्रॉफिट के साथ। अच्छा, पार्ट बी में भी रिकंसाइल है, पार्ट सी में भी रिकंसाइल है, पार्ट सी वाला रिकंसाइल कौन सा? नहीं, ये जो रिकंसाइल है ये पार्ट बी वाली रिकंसाइल है, पार्ट सी वाली रिकंसाइल कौन सी? हां नहीं, देखो रिकंसाइल तो यही है ना, बजट प्रॉफिट की जगह पार्ट ए वाला प्रॉफिट आ रहा होगा, बाकी तो सेल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट, वो तो सब ऐसे ही होंगे। तो पार्ट बी तो वही रिकंसाइल है जो अभी बना रहे थे, बस स्टार्टिंग पॉइंट बजट प्रॉफिट की बजाय पार्ट ए वाला प्रॉफिट। पार्ट सी वाली रिकंसाइल कौन सी? पार्ट सी वाली रिकंसाइल वो है जो पिछले चैप्टर में करके आए थे कि एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट से शुरू करें, ओपनिंग इन्वेंट्रीज का डिफरेंस है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का डिफरेंस है वो प्लस माइनस करेंगे तो मार्जिनल के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। ये वो वाला रिकंसाइल, रिकंसाइल एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब उसके लिए आपको फिर एक्चुअल एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे तो ही तो पार्ट सी करेंगे। नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना, बस दो तीन लाइन लेके प्रॉफिट निकालना, बस नहीं जरूरी है पूरा फॉर्मेट बनाया आप। क्या तो प्रॉफिट रिकंसाइल करना है ना, प्रॉफिट निकालो तो रिकंसाइल करोगे। अच्छा, आपने करना ये है, अच्छा इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, जो पीछे सोल्यूशन है वो उसकी जो वर्किंग है वो मुश्किल लगेंगी आपको, तो इसका सोल्यूशन मैं दे रहा इसका जो सोल्यूशन है वो मैं उसकी तरह से पैटर्न का आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, उस तरह से सोल्यूशन बना के इसका मैं दे रहा हूँ और ये आपने करके आना है। अच्छा, इसमें आपको ना रिकंसिलिएशन में, रिकंसिलिएशन में सोल्यूशन में लास्ट में एक लाइन 35,000 की मिलेगी, जब सोल्यूशन आपको पहुंचेगा तो उसमें आपको लास्ट में एक लाइन 35,000 की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट मिलेगी। ये जो एडजस्टमेंट है ये मैंने आपको भी सिखानी है, ये एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखानी है। इसके अलावा बाकी सवाल आपको होना चाहिए, यानी आप रिकंसिलिएशन में ये 35,000 की फिगर सॉल्यूशन से देख के डाल के रिकंसिलिएशन पूरी हो जाएगी आपकी। ये क्यों है ये मैंने आपको सिखाना है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के नाम से लाइन आ रही होगी सॉल्यूशन में, ये आपको मैंने कल सिखाना है या सवाल करके आएंगे तो सिखाऊंगा। इसके अलावा बाकी सवाल आपसे होना चाहिए, बस ये आस्ता एंड पे एंड की तरफ मूव कर रहा है चैप्टर। ये लेक्चर 56 ये वाला करके आइएगा, और फिर मैं इसमें कल प्रोसेस मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा वेरिएंस प्रोसेस मिक्स, उसके बाद फिर आगे मटेरियल के वेरिएंस एडवांस, और मतलब तकरीबन कुछ दो क्लासेस और लगेंगी इसमें, तीन शायद।
लास्ट मैंने कॉस्ट की पढ़ाई थी ना, तो मेरी बात हो गई थी, दो आदमियों के दरमियान की इजाज़त में बैठा जाए। सही बुखारी में रवायत है, और ये भी हमारे अंदर बहुत कॉमन खराबी है, सब अपने अपने घर में झगड़ना। सही बुखारी में रवायत है, सईद अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम तीन आदमी मौजूद हो तो दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें, यहाँ तक कि तुम और लोगों से मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन कर देगा। फिर सुन ले, जब तुम तीन आदमी मौजूद हो तो दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें, यहाँ तक कि तुम और लोगों से मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन कर देगा। हम बैठे हुए हैं और तीन तो एक नंबर बताया ना, सामने पांच छह भी हो सकते हैं, तो जो एक सामने बैठा हुआ है उसको नहीं बता के आपस में कान में फुसफुस करना है, तो ये जो बाहर बैठा रहेगा ना, इसके लिए तकलीफ दे बात होती है, तो ये आदाब के खिलाफ है। अगर वाकई कोई ऐसी बात है जो उसके सामने करनी मुनासिब नहीं है तो उसके बाद में कर लेना, लेकिन किसी के सामने दो बंदे आपस में कानों में बातें कर रहे हो तो वो तीसरे के लिए तकलीफ दे होता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।